नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। पलवल में पीएनजी की पाइपलाइन फटने से हुई आगजनी, एक व्यक्ति की हुई मौत। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। केरल सरकार ने 11 नवंबर को दो सीनियर आईएएस अफसरों को किया सस्पेंड। अफसरों ने व्हाट्सएप पर हिंदू मुस्लिम का बनाया था ग्रुप। झारखंड बंगाल में वोटिंग से पहले ईडी की छापेमारी, 17 जगहों पर सर्चिंग जारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर मांगा जवाब। किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर को लेकर दिया था बयान। बात करें शेयर बाजार की तो दिन के ऊपरी स्तर से 1145 अंक गिरा बाजार। सेंसेक्स 820 अंक गिर कर 78,675 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 257 अंक गिरी। बात करें सोने चांदी के भाव की तो सोना 1519 रुपए गिर कर 75,321 रुपए पर आया, तो वहीं चांदी भी 2,554 रुपए सस्ती होकर 88,305 रुपए प्रति किलो बिक रही। लेकिन कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड के भाव। ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। हरियाणा में विधानसभा में पहली बार चुनकर आए विधायकों को विधायकी कार्यों के बारे में चंडीगढ़ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय की तरफ से सोमवार को कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बुधवार से प्रदेश विधानसभा का सत्र है, इससे पहले ही विधायकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र में विधायकों ने विधायकी कार्यों का प्रशिक्षण दिलाने का आग्रह नव निर्वाचित विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण से किया था। साथ में ये भी बता दें कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए प्रदेश के सभी 90 हलकों के विधायक मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के 90 विधायकों में से 40 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुंचे हैं। जिन 40 नेताओं ने पहली बार चुनाव जीता है उनमें भाजपा के 23 और कांग्रेस के 13 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा इनेलो के 2 और 2 निर्दलीय विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मीठापुर से सेक्टर 65 का 24 किलोमीटर हिस्सा शुरू होने के बाद अब पलवल के किरंज टोल की दरें 3 गुना बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि मंगलवार रात से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। इससे पहले वाहन चालक एक्सप्रेसवे का फरीदाबाद के सेक्टर 65 से प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब दिल्ली के मीठापुर से ये शुरू हो गया है, इसीलिए 24 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और बढ़ गया है। साथ में आपको ये भी बता दें कि अगले साल मार्च तक दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से मीठापुर तक का भाग शुरू करने का भी दावा किया जा रहा है। इसके बाद ये एक्सप्रेस वे पूरा हो जाएगा, जिससे यहाँ से सीधा सोहना होते हुए राजस्थान के दौसा तक का सफर फर्राटेदार हो जाएगा। अब इस टोल से निकलने वाली कार के लिए एक तरफ के 150 रुपये देने होंगे, जबकि पहले 50 रुपये लगते थे। आपको ये भी बता दें कि कार के लिए जो मंथली पास अभी तक 1650 रुपये में बनते थे, वे अब 5030 रुपये में बनाए जाएंगे। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की पहली बैठक 25 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। उस दौरान विधानसभा सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। आपको बता दें कि सत्र की दूसरी बैठक 13 नवंबर, तीसरी बैठक 14 नवंबर और चौथी बैठक 18 नवंबर को होगी, जो हरियाणा विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। ये 3 दिन चलेगा। सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में उतरेगी। विपक्ष डीएपी खाद की किल्लत और पराली के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बताते चले कि वही नव निर्वाचित विधायकों के लिए 12 नवंबर को प्राथमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित हरियाणा निवास में शाम को होने वाले सत्र में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की टीम विधायकों को विधायकी कामकाज की बारीकियां बताएगी। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और विस उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संबोधित करेंगे।
हरियाणा में लगातार तीसरी बार भले ही भाजपा ने सरकार बना ली हो, लेकिन पार्टी को 90 में से 42 सीटों पर हार भी मिली है। अब भाजपा ने इन सीटों पर हुई हार की समीक्षा भी कर ली है। आपको बता दें कि एक महीने तक बीजेपी ने हार के कारण जानने के लिए हारे उम्मीदवारों को, जिलाध्यक्षों को, पुराने कार्यकर्ताओं को आरएसएस से भी फीडबैक ले लिया है। प्रदेश भाजपा इकाई ने ये रिपोर्ट पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि हरियाणा में सदस्यता अभियान पूरा कर प्रदेश के संगठन के बदलाव के समय ही इन जिलों में जिलाध्यक्ष से लेकर जिला इकाई तक में बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में लोगों को किनारे लगाया जाएगा जो पद लेकर बैठे रहे मगर फील्ड में एक्टिव नहीं दिखे। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक की रिपोर्ट की भूमिका सबसे अहम होगी। बताते चले कि टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं की अपेक्षा भी हार का बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से इसे लेकर चर्चा कर चुके हैं। आने वाले समय में संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा का किसान फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का अधिक प्रयोग करने लगा है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 6 साल में कृषि योग्य भूमि तो लगभग उतनी ही रही, लेकिन 90,000 मीट्रिक टन एमटी से अधिक डीएपी की खपत बढ़ गई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि आलू और लहसुन की फसल का रकबा डीएपी खाद की उपलब्धता व मांग पर संतुलन बिगड़ रहा है। तय नियमों के अनुसार प्रति एकड़ 50 किलो डीएपी पर्याप्त है, लेकिन आलू और लहसुन की फसल में किसान 100 से 250 किलो तक डीएपी डाल रहे हैं। पिछले महीने से ही आलू की बिजाई भी चालू है और आलू उत्पादक किसान कई कई बैग डीएपी खाद खरीद रहे हैं, जिसे खरीद केंद्रों पर डीएपी नहीं मिल रही है। हरियाणा में 89 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि है और 16 लाख से ज्यादा किसान परिवार है। औसतन हरियाणा में 25 लाख हेक्टेयर 62 लाख एकड़ में गेहूं की बिजाई की जाती है और 7 लाख हेक्टेयर में सरसों की बिजाई होती है। करीब 13 लाख हेक्टेयर में धान की बिजाई की जाती है। प्रदेश में 96,000 हेक्टेयर में गन्ने की खेती की जा रही है। वहीं सब्जी वाली फसलों में आलू समेत अन्य में भी डीएपी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।